अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तहान अगरिया फ्रॉम ट्रेवल वाइंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल माहौल में मंडी का सीज़न चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी मंडी विज़िट करें और आप लोगों को मंडी के बारे में दिलचस्प मालूमात और मंडी की कुछ वीडियोज़ दिखाएँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम यही है कि जाएंगे मंडी और देखते हैं कि क्या होता है मंडी में हमारे साथ। अच्छा जी, तो कराची में एक मौसलाधार बारिश के बाद अब बारिश थोड़ी सी थम गई है और हम मंडी की तरफ जा रहे हैं। तो जाते हुए हमने ज़रा सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि बारिश में वैसे ही बहुत ज़्यादा भीग गए थे और बड़ी दुश्वारी से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त चाय का वक्फा लिया हुआ है। तो चाय पीते हैं और फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पसीना कम हो गया, गर्मी के लिए बहुत शदीद है, सिस्टम बहुत बराबर जा रहा है। चाय वगैरह पी ली है और इस वक्त मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है और मेरे हिसाब से मंडी जाने के लिए यही मौसम बहुत आइडियल है, क्योंकि धूप भी नहीं है और बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो चले फिर मिलते हैं आपके साथ मंडी में। वैसे तो इस वक्त हमें मंडी में होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही हम मंडी पहुंचे तो वहां पहुंच के हमें पता चला कि मंडी में इस साल शूट करना अलाउड नहीं है। आप किसी भी किस्म के कोई भी शॉट्स या फिर कोई शॉर्ट वीडियो या फिर कोई व्लॉग वहां पर जाके नहीं बना सकते। जब हमने इसके बारे में वहाँ के इंतज़ामिया से पता किया तो यार पता चला कि कोविड-19 की वजह से उन लोगों ने इस साल सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करने के लिए इस किस्म की पाबंदियां लगाई हैं। लिहाजा अगर आप मंडी जाते हैं तो आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियो बनाते हुए मंडी की इंतजामिया ने देख लिया तो फिर वो आपका मोबाइल भी जब्त कर सकती हैं और इसके साथ साथ आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती हैं, क्योंकि इस साल लीगली व्लॉग्स या फिर वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मंडी जा रहे हैं तो वहां जाकर आप मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें और SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, क्योंकि ये SOPs आप लोगों की हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं। वैसे तो मेरा मशवरा यही है कि बिला ज़रूरत मंडी जाने से गुरेज करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वहाँ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और इसके अलावा फिर ये बीमारी वहाँ पर आपको भी लगने का खतरा है। और दूसरी बात ये कि बारिश की वजह से वहाँ पर गंद और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमारा अधूरा और पहला व्लॉग आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द ही हम इस व्लॉग को पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमें अब तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।